नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा का श्याम साथ चिकित्सा महाविद्यालय अपनी स्थापना के 60 साल पूरे कर रहा है, जिसके चलते अपनी स्थापना के अवसर पर डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा प्रवाह के नाम से। देश दुनिया में मशहूर डॉक्टर जो किसी न किसी समय रीवा के संजय श्याम साथ चिकित्सा महाविद्यालय में रह चुके हैं, यहां पर मौजूद होंगे। फिल्म जगत की कुछ हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद होंगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है अपनी तरीके का एक शानदार आयोजन रीवा के डॉक्टर मिलकर करने जा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टरों ने एक टीम बनाई है जो मिलकर अपने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज रीवा के श्याम साथ चिकित्सा महाविद्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित करके इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। सुनिए डॉक्टरों का क्या कुछ कहना था। दिसंबर को संपन्न होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी। अध्यक्षता के लिए प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री पंडित राजेंद्र शुक्ल जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 60 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवमय, गौरवशाली, और यहाँ के जो छात्र पास होकर के गए हैं देश और विदेशों में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए हैं। हमारे डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर पूरी तन्मयता के साथ एज पैटर्न लगे हुए हैं। यहाँ से निकलता हूँ। हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं, खास करके डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, डॉक्टर रवि प्रकाश, डॉक्टर चक्रेश जैन, सुभाष अग्रवाल, लोकेश त्रिपाठी, सभी लोग रात दिन एक करके इस भव्य आयोजन को का एक रूप 23 और 24 तारीख को देंगे। इसके डिटेल जो है हमारे सचिव डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी आपको बताएंगे। आयोजन किया जाएगा कितने दिवसीय? देखिए, ये जो हीरक जयंती समारोह है, इसकी शुरुआत तो इस वर्ष के वार्षिकोत्सव जो प्रारंभ हुए हैं 3 तारीख को एक मैराथन आयोजित की जाती है हमारे यहाँ, उस मैराथन से इसकी शुरुआत हो गई। और अभी 11 तारीख से जो हमारे स्नातक छात्र हैं उनके वार्षिकोत्सव की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है, जो अभी निरंतर जारी है, जो इसका समापन उनका कार्यक्रमों का, स्नातक छात्रों के कार्यक्रमों का समापन 21 तारीख को एकेडमिक अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में होगा। और जो इस वर्ष या पिछले 2-3 वर्षों में जो उत्कृष्ट छात्र रहे हैं, जिसमें कैटेगरी बेस्ट यूजी, बेस्ट पीजी, बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ऐसे कुछ 4 हमारे बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं, तो इन 4 अवार्डों के जो पिछले 3 वर्षों के रहे हैं, इनको राज्यपाल महोदय के हाथों से 23 तारीख को सम्मानित होना है। और पहला कार्यक्रम ऐसा है कि वो उस दिन उद्घाटन समारोह है, जिसमें महामहिम राज्यपाल और श्री उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ला जी, ये दोनों उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे इस कॉलेज से 60 साल होने पर जो पढ़े हुए पुराने छात्र हैं 1963 के बैच से लेकर आज दिनांक तक, आप समझ लें, तो ये सारे लोग उस दिन एकत्र होंगे। बहुत सारे देश विदेश में बड़े ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं, बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन किया है, अपना किया है, देश का किया है, हमारी संस्था का किया है, ऐसे सभी पूरा छात्र उस दिन इकट्ठे होंगे और उनके साथ हम लोग ये हीरक जयंती समारोह मनाएंगे। इसको मनाने की तैयारियां जनवरी 2023 से ही शुरू हो गई थी,
जब संस्था के हमारे अधिष्ठाता महोदय ने एक समिति गठित की, आयोजन समिति, और चूंकि इसके कार्य बहुत सारे होते हैं, बड़ा आयोजन होता है, तो इन कार्यों का जिम्मा उन्होंने अपनी एलुमनी एसोसिएशन को दे दिया था, और एलुमनी एसोसिएशन ने फिर एक आयोजन समिति गठित की जिसमें अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, वरिष्ठ सलाहकार, उसमें हमारे जितने वरिष्ठ चिकित्सक हैं यहाँ के वो सब सलाहकार हैं, उसमें वो अपनी सलाह देते हैं, उपाध्यक्ष बने, सचिव बने, सह सचिव बने, संयुक्त सचिव बने, कोषाध्यक्ष, उपकोषाध्यक्ष बने, और उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और एक बड़ी वृहद समिति बनी। फिर बाद में उसने अपने पूरे सब लोगों ने बैठ के विचार किया कि इसमें बड़े जो हमारे चिकित्सक यहाँ काम करते हैं उनके संरक्षण में अलग अलग समितियाँ जो अलग अलग क्षेत्रों का काम देखेंगी, साइंटिफिक, लिटररी, रजिस्ट्रेशन, ये सब काम होते हैं, बड़े काम होते हैं सारे, क्योंकि साल भर चलने वाले काम हैं कुछ, तो वो सब समितियाँ बनी और उन सब समितियाँ उनके अध्यक्षता में बनी हैं, वो सारे हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ, और ये सारे लोग अपने अपने कमेटियों ने काम किया साल भर, और अथक मेहनत के बाद अभी इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि 23 को इस कार्यक्रम का शुभारम्भ हम करेंगे। जब दो दिवसीय पूरा छात्र इतने सारे एकत्र होते हैं तो आमोद प्रमोद की व्यवस्था भी हम करते हैं, तो हमने आमंत्रित किया है, ये बड़े सिंगर हैं बॉलीवुड के, अभिजीत सावंत, वो उस दिन अपना कार्यक्रम देंगे उनके रात्रि भोज में, हमारे पूरा छात्रों के रात्रि भोज में ये सब कार्यक्रम सब एक साथ संपन्न होंगे 23 एवं 24 को, 24 की रात्रि भोज के बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा। इसमें एक रजिस्ट्रेशन डिटेल दिया गया है जिसमें ये पैसे बताए गए हैं, काहे के लिए है? किसी भी कार्यक्रम को जब किया जाता है तो उसके जो खर्चे होते हैं ये हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ, जिसको सहयोग राशि बोलते हैं, चंदा, उस तरीके से आपस में चंदा करके ही ये कार्यक्रम किया है, इसलिए उनसे वो सहयोग राशि लिखी है, उसका कोई बहुत महत्व तो आपके लिए नहीं है। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।